नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बेगा सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार के सुल्तानपुर में रोड पर सो रहे 30 से ज्यादा लोगों को कंटेनर ने कुचला। शराबबंदी वाले बिहार में नशे में 30 को कुचला, 8 की मौके पर ही मौत, इनमें से 6 बच्चे बताए जा रहे हैं। सभी पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे। शराबबंदी वाले बिहार में रविवार को नशे में धुत एक ड्राइवर ने 30 लोगों को कुचल दिया, इनमें 8 के मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे हैं। ये सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे थे, तभी 120 की रफ्तार में एक ट्रक आया और लोगों को रौंदते हुए निकल गया। हादसा रविवार रात करीब 9 बजे सुल्तानपुर गांव के पास हुआ। मरने वालों में सभी की उम्र 20 साल से कम है। हादसे के बाद गैस कटर से ट्रक को काटकर मृतकों को निकाला गया। ज्यादातर बच्चे ट्रक और पेड़ के बीच में फंसे थे। ग्रामीण मनोज राय ने बताया कि घटनास्थल पर सड़क किनारे की देवस्थल बनाया गया है। 50 से 60 साल से वहां पूजा हो रही है। इस घटना के चश्मदीद अनुज कुमार राय बताते हैं कि नेवतन की पूजा लगभग पूरी हो चुकी थी, सब अपने अपने घर लौटने वाले थे कि तभी हाजीपुर से महनरान की तरफ जा रहा अनियंत्रित ट्रक लोगों को कुचलता चला गया। इसके बाद वो पीपल के पेड़ में टकरा गया। अनुज के मुताबिक अगर ट्रक पेड़ में नहीं टकराता तो कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।